मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। जुगाड़ चलाने वाले लगभग 1000 परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा एवं भाकपा माले के नेतृत्व में ठेला गाड़ी चलाने वाले मजदूरों ने अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। वह ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कार्यों का आरोप है कि पुलिस द्वारा लगातार ठेला गाड़ी वालों के वाहन रोककर उन्हें बंद किया जा रहा है, जिस कारण से गरीब 1000 परिवार पर भुखमरी का संकट आन पड़ा है। आज जो हमारे मुरादाबाद के अंदर मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहन चल रहे थे और उनसे तमाम लोग रोजी रोटी कमा रहे थे, तो उनके वो वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, उन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है और कम्युनिस्ट पार्टी माले इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि 1000 लोगों से ऊपर जो परिवार हैं वो इस रोजगार से जुड़े हुए थे, आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इन लोगों ने पहले हाथ के ठेले खींचते थे, रिक्शा से वजन ढोते थे, लेकिन मुरादाबाद के अंदर ओवरब्रिज बन जाने से उस पर वो वाहन नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल वाहन बनाए और उससे ही अपना पेट पाल लेते, अपने बच्चों का पेट पाल लेते। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने इनके रोजगार पर हमला किया, इनके वाहनों को जब्त कर लिया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये मजदूर आदमी हैं और हाथ से ठेला खींच के ओवरब्रिजों पर नहीं चढ़ा सकते, इनके वाहनों को तत्काल रिहा किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था पर इनको जब तक ये चलते रहें, और इनको सरकार की तरफ से जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने मोटर वाहन बैटरी रिक्शा बांटे थे मुफ्त में, इन लोगों को उसी तरह से वाहन ढोने के लिए, भार ढोने के लिए बैटरी रिक्शा सरकार से दिलवाएं और तब तक इनके चलने दें, इनके रोजगार पर सरकार हमला ना करे। और इनके वाहनों को रोका गया और इनके वाहन नहीं छोड़े गए, तो ये आंदोलन आने वाले समय में और तेज गति पकड़ेगा। इसमें यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे, बच्चे भी आएंगे और महिलाएं भी आएंगी और सब लोग यहाँ पर बैठेंगे और इन लोगों का उत्पीड़न हम नहीं होने देंगे।